नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, काफ़ी कहना चाहिए समय के बाद मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ और कहना चाहिए एक आर्टिकल है जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और जो कि एक काफ़ी कहना चाहिए बुलिश पैटर्न दिखा रही है बंधन बैंक के ऊपर। और देखिए, बाजार वीक है, ये बात याद रखिएगा कि बाजार काफ़ी वीक है, तो ये जो पैटर्न है ये काफ़ी अच्छा भी है और काफ़ी समय कामयाब भी रहा है। लेकिन मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा कि बाजार वीक है, गिरावट स्टॉक में हो सकती है। अच्छी चीज़ क्या है वो आपके साथ बताऊँगा, रिस्क थोड़ा आपके साथ शेयर करूँगा, काफ़ी अच्छे इसको टारगेट दिए गए हैं, काफ़ी अच्छे उन्हें कहना चाहिए ठीक ठाक से एक टारगेट दिए गए हैं एडलवाइस के द्वारा, वो भी दिखाऊँगा। और एक कहना चाहिए एक ट्रेड कहना चाहिए एक पोजिशनल ट्रेडिंग, उसके बारे में आपके साथ अवगत कराऊँगा और फिर स्टॉप लॉस और टारगेट भी साथ शेयर करेंगे। तो अगर आप बंधन बैंक में निवेशित हैं और कहना चाहिए कोई रेजिस्टेंस या कोई क्या आने वाले समय में किस तरह की चाल हो सकती है स्टॉक की, ये देखना चाहते हैं तो ये वीडियो अंत तक देखिएगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव एजुकेटिव होगी। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले तुरंत सब्सक्राइब कर दोस्तों इसी चैनल को, ताकि ऐसे ही स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ आपको मिलती रहे। प्लस वीडियो को लाइक कर दें ताकि यूट्यूब और को रिकमेंड करें। और मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके ज़रूर देखिएगा। अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधा लेके चलता हूँ मैं आपको शेयर प्राइस की तरफ। दोस्तों, आज लगभग 1.5% ज़्यादा की इसमें गिरावट हुई है, जो कि कहना चाहिए कुछ ज़्यादा है नहीं। काफ़ी समय है दोस्तों इस समय बिता रहा है यहाँ पे। पिछले अगर हम एक महीने की बात करें तो आप देखिए, ये 300 के पार गया 25 जनवरी, इसने पार किया 21 जनवरी से बाद, ये 21 जनवरी के बाद ये 24 जनवरी आया, उसके बाद से दोस्तों ये ऊपर ही ट्रेड कर रहा है 24 जनवरी से। ठीक है, आज अगर मैं बात करूँ तो आज लगभग तारीख है 16, तो आप मान सकते 10-12 ट्रेडिंग सेशन, 15-20 ट्रेडिंग सेशन से दोस्तों ये इसी के ऊपर काम कर रहा है। और यानी कि जो ₹300 है उससे अपना काफ़ी बड़ा पान लीजिए अब ये सपोर्ट बना चुका है। और जो ये टाइम स्पेंड कर रहा है दोस्तों 300 के ऊपर, ये काफ़ी दिखा रहा है कि जो ये टेक्निकली काफ़ी स्ट्रांग हो चुका है दोस्तों। ये स्टॉक बाजार में इस समय काफ़ी भयंकर कहना चाहिए गिरावट आई, ये शेयर दोस्तों नीचे नहीं गिरा। लेकिन हाँ, 500 पॉइंट की तेजी के बावजूद इस शेयर ने ऊपरी स्तर में कोई ऐसी चाल नहीं दिखाई जिसे हमें कहना चाहिए कोई बड़ी तेजी दिखती हो। लेकिन इसने कहना चाहिए एक पैटर्न तोड़ा दोस्तों, क्या है वो मैं आपके साथ दिखाता हूं। आप देखें इधर, ये काफी अच्छा पैटर्न की बात है, फ्लैगशिप पैटर्न की बात हो रही है यहां पर दोस्तों। देखिए, बाय अराउंड टारगेट, बाय अराउंड 326 326 के आसपास लेने की बात हो रही है, टारगेट 360 से लेकर के 375 की बात हो रही है दोस्तों। ठीक है, स्टॉप लॉस है ₹312 का। और दोस्तों, इसका जो है ना, इससे जो इसका जो फ्लैग पैटर्न है, ठीक है, इसका जो फ्लैग पैटर्न है इसने ये तोड़ा। देखिए, इसमें लिखा है बंधन बैंक इज इन अ राइजिंग ट्रेजिक्ट्री एंड द करेंट डिक्लाइन इन निफ्टी हैज नॉट इम्पैक्टेड द प्राइस ऑफ द स्टॉक सिग्निफिकेंटली। और दोस्तों, जब निफ्टी बहुत तेज गिरा और स्टॉक अच्छा रहे ना, समझ जाइएगा कि जो स्टॉक है उसमें स्ट्रेंथ बड़ी गजब की है दोस्तों। ठीक है, और वही बंधन बैंक के साथ हो रहा है। नाउ द रेंज बाउंड मूवमेंट एक्शन इज अ फ्लैगशिप पैटर्न, जो ये रेंज बाउंड मूवमेंट कर रहा है ना दोस्तों, ये देखिए, ये एक फ्लैगशिप पैटर्न था जो ये बना रहा है, पहले ऐसे करके चला है और अब ऐसे करके बना रहा है। नाउ एंड द बंधन बैंक कुड बी ब्रेकिंग आउट ऑफ अ फ्लैग पैटर्न, और ये फ्लैग पैटर्न से निकल सकता है दोस्तों। Now, bullish morning star pattern is another bullish development. Buy for a rally to ₹360 and above that to ₹375. Keep a stop loss below ₹312 and hold it for 7 to 8 days. यानी 7 से 8 दिनों में दोस्तों आप एक रैली इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ₹312 का आप इसमें कह लीजिए स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और 360 देन सेकेंड टारगेट होगा 375। इस तरह के ये काम कर सकते हैं। देखिए, ये ट्रेडिंग है दोस्तों, ठीक है, मैं ट्रेडिंग अक्सर इसमें कहना चाहिए कि कुछ ज़्यादा बात करता नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैंने ये इसलिए बताया है कि स्ट्रेंथ इस शेयर में स्ट्रेंथ बहुत है दोस्तों अभी। लेकिन पर्सनली मुझे 345 से लेकर के 350 इस शेयर को तोड़ने में दोस्तों मुझे लग नहीं रहा है कि ये शेयर तोड़ेगा दोस्तों, क्योंकि 345 से लेकर के 350 को तोड़ने के लिए ह्यूज स्ट्रेंथ चाहिए दोस्तों इस स्टॉक को, एंड लिटरली में ह्यूज स्ट्रेंथ चाहिए।
ठीक है। लेकिन हाँ ये जो पैटर्न है ये भी सही बात है, अगर ये टूटेगा 350 तोड़ेगा अगर दोस्तों, तो फिर 360 से 375 आना इस स्टॉक के लिए बिल्कुल भी इजी, बिल्कुल भी कठिन नहीं रहेगा, कि 345 से 350 ये बहुत सारे दोस्तों रोक रहा है, एक बहुत बड़ा इसके लिए रेजिस्टेंस बना हुआ है। इसीलिए अगर ये स्टॉक 345 से 350 को तोड़ता भी है दोस्तों, तो मुझे लगता है एक काफी अच्छी रैली ये दिखा सकता है, ठीक है। और आप देखिए एडलवाइस ने इस शेयर के ऊपर टारगेट जो दिए हैं वो 348 के दिए हैं, क्योंकि देखिए मुझे भी अभी ये लगता है कि 348 350 ही एटमोस्ट ऊपर जा सकता है, उसके ऊपर जाने के लिए इसे बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत है। तो जो मैंने वीडियो बनाया दोस्तों ये सिर्फ स्ट्रेंथ दिखाने, काफी अच्छा पैटर्न बन रहा है वो आपके साथ डिस्कस करने, स्टॉप लॉस है जो कहना चाहिए जो रेजिस्टेंस है उसे तोड़ करके गया, तो काफी अच्छी रैली, और आप कह सकते हैं कि एटलीस्ट 10 to 15% के बीच का आपको आराम से रिटर्न दे सकता है, और निचले स्तरों में 312, और अगर आपको थोड़ा सा रिस्क उठा सकते हैं तो 300 रुपए का आप लगा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि 300 तोड़ना स्टॉक के लिए बहुत ज्यादा टफ रहेगा, निचले स्तरों में बहुत अच्छा सपोर्ट है। हाँ लेकिन याद रखिएगा अगर वो टूटता है ऑन द क्लोजिंग बेसिस तो फिर गिरावट थोड़ी ज्यादा हो सकती है, तो ये रिस्क को याद रखिएगा। लेकिन मैं फिर कहूंगा अपने रिस्क पे दोस्तों ये ट्रेड लीजिएगा, आपके साथ ये डिस्कस मुझे इसलिए करना था कि काफी अच्छा पैटर्न लगा मुझे, काफी एजुकेटिव बात हो सकती थी है, आप लोगों को भी साथ भी शेयर करने की। पर्सनली मैं ये ट्रेड नहीं लेने वाला दोस्तों, और मैं नए ट्रेड को एंडोर्स करता हूँ, हाँ एजुकेशनल पर्पज के तौर पर काफी अच्छी चीज है, अगर ये होती है तो एक काफी अच्छी रैली आपको देखने मिल सकती है दोस्तों। बस याद रखिएगा बाजार, वैश्विक बाजार अगर गिरावट होगी तो शायद ये वो तेजी ना दिखा पाए। दोस्तों यहाँ तक जुड़े हैं, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा और साथ शेयर कीजिएगा, यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है, जय हिंद दोस्तों।